अभी जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो सभी कोई ना कोई अन्नदान रिचुअल्स पूजा पाठ कुछ ना कुछ सबके घरों में चल ही रहे हैं। एक चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, श्राद्ध अन्नदान करते हैं, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स तृप्त हो सके, खुश हो सके, दिल से जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उनको थैंक्स कर सकें, थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड करें कि हम उनके लिनिएज में आए और उनकी गुड क्वालिटीज़ हम में है। ये चीज़ हम बच्चों से जब डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा वो इसे बता रही, बिकॉज़ हम जब हमारे बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे मॉम साइड के या डैड साइड के क्या क्या गुड क्वालिटीज़ थी जो हमारे दादा नाना या मम्मी पापा में आए हैं और अब वो चीज़ हम में आई है और हमसे कुछ कुछ क्वालिटीज़ हमारे बच्चों में भी पास ऑन हुई है। सो ये जो एक फैमिली गैदरिंग कहे या फैमिली बॉन्डिंग जो है वो भी इंक्रीज होती है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ हमारे किस लीनियत से पास हुई है हम तक और अब हमारे बच्चों में किसी न किसी रूप में वो चीज़ आई है। अब इसमें गुड क्वालिटीज़ जो आई है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए हमने दिल से थैंक्स करना चाहिए। जो बैड क्वालिटीज़ आई हैं, देखिए बैड भी आया, गुड आया तो बैड भी आया, उसको हम वो जो सीड्स हैं उनको वाटर ना करें, उसको ऑब्जर्व करें माइंडफुली। ये चीज़ जो बुद्ध भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि वी हैव टू ऑब्जर्व देम माइंडफुली एंड दिस वी कैन डू थ्रू आउट आवर लाइफ। थैंक यू।